नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बज मीडिया में। दोस्तों, चैटिंग ऐप व्हाट्सएप ने एक बार फिर अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी रिलीज कर दी है। क्या इस बार भी है डेटा का खतरा? क्या आपकी निजी जानकारी फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर की जाएगी? आइए फटाफट जानते हैं कौन से यूजर्स के लिए है खतरा। व्हाट्सएप ने शुक्रवार को सुबह ही अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी रिलीज की है। हालांकि इस बार ऐप ने काफी संभल कर शब्दों का चुनाव किया है, साथ ही कंफ्यूजन कम करने के लिए पॉइंट्स का भी इस्तेमाल किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नई प्राइवेसी पॉलिसी सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स के लिए रिलीज की गई है। कंपनी ने अपने नए बयान में साफ लिखा है कि हम अपनी सेवा की शर्तें और प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव कर रहे हैं। ये बदलाव बिजनेस और उनके कस्टमर्स के बीच व्हाट्सएप पर होने वाली मैसेजिंग से संबंधित है। नई पॉलिसी के तहत कंपनी व्हाट्सएप बिजनेस के यूजर्स के लोकेशन और कॉन्टैक्ट लिस्ट ले सकती है। 5 जनवरी को जब व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी किया था, तब सभी को जबरन इन्हें मानने को कहा गया था। साथ ही आपने साफ कर दिया था कि अगर आप इन्हें नहीं माना तो व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। लेकिन इस बार व्हाट्सएप के सुर बदले हुए हैं। ऐप ने कहा है कि व्हाट्सएप बिजनेस की नई प्राइवेसी पॉलिसी को मानने का कोई दबाव नहीं है। आप बिना शर्तों को माने भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। कंपनी ने साफ किया है कि आपकी पर्सनल चैट्स की प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब दोस्तों या परिवार जनों के साथ होने वाली आपकी बातें हमेशा सुरक्षित रहेंगी। दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर किए गए पर्सनल मैसेजेस, कॉल्स, फोटो, वीडियो, लोकेशन आदि को व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों में से कोई भी नहीं देख सकता। व्हाट्सएप ने एक बार फिर साफ किया है कि कौन किसे मैसेज भेज रहा है या कॉल कर रहा है, इसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप व्हाट्सएप के बदले सुर के बारे में, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।